नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 88 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर बिलासपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया, मगर गुरुवार को बुजुर्ग ने सुबह 9 बजे के आसपास बैठक में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस को बुजुर्ग के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार की तरफ से मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है। बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो परिवार के साथ बिलासपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव में रहती है। उसकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी की उम्र 11 साल और वो चौथी कक्षा में पढ़ाई करती है। उनकी बेटी ने बुधवार रात को बताया कि उनके घर के पास रहने वाले 88 वर्षीय बुजुर्ग ने मिठाई के बहाने बैठक में बुलाया और बच्ची के साथ गलत काम किया। आरोप लगाया कि बच्ची के साथ पहले भी गलत काम किया गया था और जान से मारने की धमकी दी थी। माना जा रहा है कि मामला दर्ज होने के बाद सुबह बुजुर्ग ने घर की बैठक में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग जब खाना देने गए तब उनको खुदकुशी का पता चला, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बिलासपुर थाना प्रभारी ने बताया कि जांच चल रही है। हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के हेड कांस्टेबल ने दी जान। गुरुग्राम, हरियाणा के मानेसर स्थित एनएसजी शिविर में शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एक हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान विक्रम के रूप में हुई है। अभी ये पता नहीं चल पाया कि उसने ये कदम क्यों उठाया। पुलिस ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक की पत्नी सदमे में है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।